अरे जाने में तो टाइम लगता है फिर भी तो नचाने हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, वेलकम बैक टू द चैनल। राम राम भाई सबको। और आज के दिन की शुरुआत भाई सीधा 3 बजे से हुई है। रात को मैं भाई 12:30-1 बजे तक सोया था, लगभग 1.5-2 घंटे की नींद ली है। और ये कुछ माहौल है भाई, सुबह सुबह देख लो, ठीक है, रात हो रही है भाई, रात ही है। मतलब यूँ है भाई, थोड़ी देर में दिन निकल ही जाएगा। अभी टाइम हो गया लगभग 4:30 हो गया, ठीक है भाई। और सुबह सुबह देख रहे हो भाई कितने जानवरों की, कितने पंछियों की आवाज़ आ रही है। तो भाई मैं जल्दी क्यों उठाऊँ, आज मेरा मैच है भाई, प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं, कैंप लगा हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया था UTD टीम का। तो आज 2 प्रैक्टिस मैच है एक साथ ही, तो वहाँ पे भाई 7:15 का टाइम दे रखा है पहुँचने के लिए। तो ना मुझे ट्रेन मिल रही भाई टाइम पे, ना बस मिली, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज बाइक पे जाऊँगा। बता दिया मैंने घर पे कि मैं बाइक पे जाऊँगा भाई आज, नहीं पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, पहुँच ही नहीं पाऊँगा, लेट में होना नहीं चाहता। तो देखते हैं, लगभग 4:15 बज चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4:50 तक या फिर 4:40 तक निकल जाऊँ यहाँ से, ठीक है। और ला भाई सुबह सुबह बिल्ली की भी दर्शन हो गए हैं, देखते हैं अब ये बिल्ली अपने लिए लक्की होगी या क्या होगी, ठीक है भाई। और मंदिर में जाया हूँ, तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं भोले बाबा जी का नाम लेके, हर हर महादेव, ऐसे ब्लॉग में बने रहो। और भाई थोड़ा बहुत रास्ता दिखा देंगे आपको, थोड़े बहुत रास्ते में मिल लेंगे, बाकी अंधेरा तो ऐसा ही हो रहा है। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा उजाला हो जाए ना, थोड़ा सा नीला भी हो जाएगा ना तो भी चल पड़ेंगे। मैं अभी निकलना नहीं चाह रहा क्योंकि क्या पता भाई क्या माहौल हो, सुबह सुबह कुछ पता भी तो नहीं है ना, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ट्रैवल करूँगा। वैसे तो बस ट्रेन में तो भाई बहुत बार ही कर चुका, कार से भी कर चुका, बट बाइक से पहली बार है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, ठीक है भाई। ये कुछ माहौल है। सो गाइस भाई मैं घर से तो निकल लिया हूँ, लगभग टाइम हो गया है 5:15-5:10 हो चुके होंगे और 10-15 किलोमीटर आ गया। तो भाई ठंड लग रही थी, मैंने भाई ऊपर से ये फुल स्लीव की टी शर्ट पहन ली और तो कुछ लाया नहीं, ठंड हो रही है भाई सुबह सुबह कुछ उत्ती यार, मैं तो नहीं सोचू था, ठीक है अब तो निकलते हैं भाई यहाँ से, दिखाऊँ तुम्हें कहाँ पे हूँ मैं। ये भाई पृथ्वीराज चौहान चौक जो इशार में एंटर होते हैं ना, वहाँ यहाँ खड़ा हूँ, तो बस अब निकल रहा हूँ भाई यहाँ से, लेट नहीं होना चाहता मैं। सो गाइस भाई लगभग 6 बज चुके हैं और मैं मुंडाल पहुँच गया भाई, ठंड लग रही है बहुत ज़ोर से और दिन भी निकल चुका है। इस तरफ से दिखाऊँ, ये देखो भाई सूर्यदेव प्रकट होने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई जो तीसरी टी शर्ट है वो और पहन लेता हूँ, पहन रहा हूँ भाई, ठंड लग रही है बहुत ज़ोर की। लो भाई इसके ऊपर से पहन ली मैंने, तो फुल ठंड हो रही है, ठंड लग रही है यार क्या करें, सुबह सुबह का टाइम है और बाइक पे तो तुम्हें पता ही है वैसे ही ठंड लगती है, इधर से एक गाड़ी फराटे मारती जाती है, उधर से दूसरी गाड़ी फराटे मारती जाती है, ठीक है भाई। लेट नहीं होना चाहता, निकलता हूँ मैं यहाँ से, लेट नहीं होना चाहता बिल्कुल भी। चलो मुंडाल पहुँच गया हूँ, यहाँ से आधा रास्ता और रहता अभी। Moments later. यूनिवर्सिटी में तो फोन तक कर दिया, कितना टाइम लगा, क्या करना है।
रोम रोम भाइयो दिए दोस्त बने यो अपना दद्दा वो कोच इन दिए दोस्त बने वो कर दे टू कर देंगे टू ना पूछे सिंपल लाइव गया था भाई कहाँ पर कैलिंगेट बीच और बागा बीच ये तो पास में है पास में कहाँ है पास में भाई एक ही बीच है वो पूरा अरे इधर देख इस साइड जाने का तो बागा इस साइड कैलिंगेट है अरे जाने में तो टाइम लगता है क्यों उड़ता नू कूद गया मैं 500 मीटर का ही डिस्टेंस है बस तो यार सारा ट्रैवल करते हुए ना दो ही जगह अरे ज्यादा गोल का नहीं जाता उससे मुश्किल कहाँ हुई थी चलाने में साइड दो जने थे यह दिखाऊंगा बेटे यह सब ताके लाऊंगा सिस्टम पार देंगे पूछ ले पूछ भाई क्या नाम आपके चैनल का चिराग शर्मा लोग चिराग शर्मा लोग कब स्टार्ट किया बिग फैन हो गए सदियां बीत गई साल डेढ़ साल होने एक काम करना आप अपना लिंक शेयर कर दिया भाई कौन सा लिंक वो भाई ने कर दिया चैनल का लिंक अरे ग्रुप में अपने वाले ग्रुप में पार्टी क्या खा के आए हो आप व्लॉगिंग कर रहे हो कर लेंगे आपको चल लो भाई कुछ क्या खा के आए हो क्या खा के हम पीनट बटर और दूध ले भी आते ओह माय गॉड वाओ भाई मंगाया नहीं आप बैलानी चाहिए यार ऐसी बात नहीं आपने ऐसे ले आते छोटे भाइयों के लिए पांच प्लेट छोले भटूरे लाने हैं अभी और ले आते यार खाओ ना अब ना वो छोले भटूरे शिफ्ट करवा रहे थे मैं ना खाता मैं ना खाता भाई मन तो वो तम जो माल खा के आए वो लेके आना चाहिए था ताकि मैं खाता मैं कह रहा हूँ बोलो करो चिराग शर्मा वालों दिस इज बिजनेस अपने ग्रुप में बुला दो अपनी अपनी क्लास में फैला दो क्या मुफ्ती भाई खाते भर दो ब्लॉग्स की चैनल की बिग फैन सर बिग फैन अरे भैया अच्छा उसने ग्रुप में देख लिया है ग्रुप में देख लिया भाई साहब एक सब्सक्राइबर और बढ़ गया अपना किया नहीं भाई कर दे भैया कर दिया भैया दिखाओ भैया अभिषेक फंस गया बेटे रोम रोम भाइयो यो के लिए मैं ले आऊंगा फील्डिंग करते हैं नहीं सिर्फ चिराग शर्मा व्लॉग्स देखो क्यों नेशनल सेलिब्रिटी हो गए हम आज क्यों गया घुमा दो किसको देख रहे कर तो एक,
इसको देख रहे हो? इसको देख रहे हैं भाई, अबे भाई ये मुझे भी रील भेजते हैं सही में देख रहे हो क्या? इसको काट दे फिर से बोल भाई का बोल क्या बोलना है। अरे यार भाई था हमको व्लॉगिंग नहीं आती, इससे अच्छा तो मैं कर देता हूँ। अरे ये डिसीजन बैट वाला क्या है? मेरे बात बताओ यार। अरे ये डिसीजन छोटे बच्चे, अरे भाई छोटे बच्चे हो गया, ये डिसीजन दिया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है भाई। बहुत कम कैप्टन है भाई, हमने बैटिंग चला क्यों मिनट? हां भाई हां बता भाई, जब तू ना जब ना बोला जब हम सीधी बैटिंग पे चले गए। अरे तो भाई तो वो तो हवाबाजी है यार, जिसने गिल्ली में बैटिंग करी उसमें वो थोड़ी हवाबाजी थोड़ी है। यो एक हुआ था, तूने कही थी यार। अरे तो टॉस तो होया, तो इमनु को तो हमने बैटिंग करनी पड़ेगी, पता के करा। कोच कम कैप्टन है भाई, लास्ट डिसीजन फाइनल है। चलो ये यार टॉस करो भाई, पहले टॉस को नहीं क्या फिर तो कर लेते भाई, करना चाहिए टॉस। जब ना कोई फायदा ना, टॉस तो होगा जो कुछ होगा। तू इसने भी इसने बात करना दे रहा है ना, इससे क्यों कर रहा है उससे बात कर रहा है। यही बात पहले एक बार में कर लेना। अरे फील्डिंग पे ले जा भी, सही जल्दी जा, देखो स्टैंड पे भी है। बात बता नहीं, मैं नू आगे फील्डिंग करनी पड़ेगी, जब भी करनी पड़ेगी। मैंने खुद नू कही थी हम बॉलिंग कर लेंगे, जब जबरदस्ती दिखाई ये तो बात अलग है। एक बार ये बात खुद कर लेंगे, गिल्ली विकेट देख के बात कही थी भाई। एक बात बता, बैटिंग कर लो भाई, एक बात बता अभी से। तुमने बोल दी पहले हम कर रहे हैं, यह बात हुई थी। रुक रुक एक बात कर लेते हैं, सिस्टम पार देंगे हम करेंगे ना, वही तो कह रहे हैं। अभी से क्यों बढ़ाओ बात, मैं मान लू ना बुधवार से पूछे बार के बात हुई थी। बता भाई बता दे, ये बात वो अभी चल रहा था, या हुई थी कि एक बार बैठे क्या बात किसी की हुई है पूछ ले। A few moments later. So guys, भाई आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ भाई। मैच थे, दो मैच हुए प्रैक्टिस मैच, तो ठीक सही था भाई मेरा परफॉर्म, मतलब ठीक ही था, मतलब अंगूठे पे चोट लगी हुई थी तो बिना स्पाइक्स के तो भाई ऐसे ही बोल पड़ती है, मेरे से बोल नहीं पड़ती यार बिना स्पाइक्स के। कोई नहीं, चलो देखते हैं, जो भी होगा जो भी डिसीजन होगा अच्छा ही होगा अपने लिए भी। ठीक है, तो इस लोग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई देख ही लिया हुआ अपने प्रैक्टिस मैच कैसा था, सीनियर से मिल लिए, सारी टीम मेट से मिल लिए भाई, सबके साथ मजाक मस्ती चलती रही। और भाई सुबह सुबह भाई 3 बजे उठा था मैं, 3 से लेके भाई वहाँ पे 7 बजे पहुँचा हूँ। सुबह 3 बजे उठा, फिर यहाँ से 4:50 पे या फिर 4:45 पे निकल गया था मैं घर से, और बाइक से गया था। तो ये तो तुम्हें पता चली गया हुआ बाइक से गया हूँ। भाई बहुत ज़्यादा ठंड रहती है सुबह सुबह, तो फुल ठंड होती है भाई। मतलब मैं इस टी शर्ट के अंदर गया था, इसके ऊपर मैंने एक और फुल स्लीव वाइट पहन ली, मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेके गया था भाई, मेरे को क्या बता दे इतनी ठंड हो जाएगी। फिर उसके ऊपर एक और टी शर्ट पहन ली, 3 टी शर्ट पहन के गया हूँ भाई मैं ग्राउंड में पहुँचा हुआ। मतलब फुल ठंड हो गई थी यार, सुबह सुबह ठंड लगने लग जाती है, और बाइक पे तो वैसे ही ठंड लगेगी क्योंकि सीधी हवा लगती है। कोई नहीं भाई, ये सब तो चलता रहेगा, ये सब मज़ा आ रहा है भाई इस सब में भी, देखते हैं कब तक कामयाबी मिलेगी। लगे तो हैं, होप्स हो, क्या पता टीम में नाम आ ही जाए, पक्का नहीं है भाई, आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो अपनी लकीर देखी जाएगी जो होगा।
ठीक है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, और फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग में एक और नए दिन के साथ। ओके बाय, गुड नाइट, लिव वेल, बाय बाय। लाइक कर देना भाई, और कमेंट भी और शेयर भी और सब्सक्राइब भी करवा दो। जबरदस्त तेरे खुद नुकाई थी ना भाई, हम फील्डिंग कर लेंगे गिल्ली विकेट देख के।